हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम स्टडी क्लासेस। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल होम स्टडी क्लासेस में। तो आज हम करने वाले हैं, देखिए कंटिन्यू करने वाले हैं 9th मैथ्स एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 5 से। तो ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 के हम सभी सवालों को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गुणनखंड कीजिए। क्या बोल रहा है, गुणनखंड कीजिए। एक्स क्यू माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू। एक्स क्यू है, इसका मतलब क्या है, त्रिघात है। यहाँ पे त्रिघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद का हम बता दिया है पिछले वीडियो में कि कैसे गुणनखंड तोड़ना है। यहाँ पे आ गया अब त्रिघात बहुपद। तो इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, आपको समझना है और ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक भी करना है। देखिए अगर हम इसमें अचर पद की बात करें, अचर पद तो कौन सा है, अचर पद दो है यहाँ पे। अचर पद इस सब में तो चर है, अचर पद क्या है मेरा, दो। अचर पद है दो, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको बहुपद एक मानेंगे। बहुपद क्या होता है, पी एक्स। इसको ले लेंगे पी एक्स इक्वल टू क्या, एक्स क्यू माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू। इसको एक बहुपद मान लिए पी एक्स, ठीक है। अब देखिए दो के संभव गुणनखंड, दो मतलब क्यों लिए दो, क्योंकि अचर पद मेरा क्या है, अचर पद जिसके पास कोई चर नहीं है, कोई एक्स वाई जेड कुछ भी नहीं है, वह होता है मेरा अचर पद। तो हम उसको लिए, तो दो के संभव गुणनखंड, गुणनखंड तो संभव गुणनखंड मेरा क्या क्या हो जाएगा। देखिए अगर हम 12 की बात करें तो 12 किस किस का टेबल में है, तो 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 से 4 से 6 से, ये सब से डिवाइड हो रहा है, पूरा पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 1 से हो रहा है, प्लस 1 से हो रहा है, माइनस 1 से भी होगा, होगा कि नहीं। प्लस 2 से हो रहा है, माइनस 2 से भी होगा। जैसे देखिए माइनस 2 इंटू माइनस 6, तो ये भी क्या आ जाएगा मेरा 12 भी आएगा। इसलिए माइनस 2 भी पॉसिबल है, माइनस 6 भी हो सकता है, तो प्लस माइनस दोनों संख्या होगा मेरा। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा 2 का, 2 के संभव गुणनखंड यानी 2 के संभव गुणनखंड मेरा माइनस 1 प्लस 1 दोनों होगा, प्लस माइनस 1 और क्या, प्लस माइनस 2 भी होगा, ठीक है। और कोई होगा नहीं, होगा क्योंकि 2 तक ही लेना है हमको, 2 के संभव गुणनखंड निकाल रहे हैं, ये नहीं कि 2 से आगे हम ले जाएंगे, नहीं। अब देखिए अब हमको काम क्या करना है कि अगर हम x के जगह पे प्लस 1 रखेंगे, x के जगह पे प्लस 1 रखेंगे, अगर मेरा मान 0 आ जाता है, अगर हम देखिए p x के जगह 1 रखेंगे, इसका मान अगर 0 आ जाता है, ठीक है, तो मतलब वह क्या है, गुणनखंड है जो भी आएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, पहले हम 0 लाएंगे, कैसे लाएंगे, देखिए अगर हम 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2। तो यहां से आ जाएगा 1 का क्यूब 1 माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 2, 2 2 कैंसिल, 1 1 कैंसिल, क्या बच गया मेरा 0। तो देखिए P1 का मान 0 आ गया, कब 0 आया, जब मेरा x का मान हम 1 रखे तब, ठीक है, x का मान 1 रखे तब ना मेरा 0 आया, ठीक है। तो हम ये पिछले वीडियो में बताए कि 0 कब आता है, अगर वह जैसे देखिए गुणनखंड होता है तब ना उसका मान 0 आता है। तो कौन गुणनखंड होगा, तो 1 को अपोजिट साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि एक जो मान रखे हम, एक मान रखे x की जगह पे, तो कितना आया 0 आया। इसका मतलब x माइनस 1 किसका गुणनखंड है, px का गुणनखंड है। क्यों बोल सकते हैं कंफर्म, क्योंकि हम x माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो x का मान 1 हो जाएगा, p 1 रखे तो 0 आया। तो जब 0 आता है तो क्या होता है, गुणनखंड होता है। ऐसे हम बता दिया, देखिए px है मेरा, ठीक है। अगर हम इसको x माइनस ए से भाग देते हैं, या फिर हमको चेक करना है क्या x माइनस ए इसका गुणनखंड है या नहीं है, तो अगर मेरा पी ए 0 आ गया तब गुणनखंड है। पी ए क्यों, क्योंकि अब देखिए माइनस ए है, प्लस ए रख के देखेंगे 0 आ गया तब गुणनखंड है किसका, इसका। तो उसी तरह यहाँ पे देखिए 1 रखे तब 0 आया, तो इसका मतलब माइनस 1 गुणनखंड है, जिस तरह माइनस ए गुणनखंड है इसका, जब हम प्लस में रखें तो प्लस ए प्लस में रखे एक, तो माइनस गुणनखंड है किसका, पी एक्स का। तो अतः हम लिख सकते हैं, अतः एक्स माइनस एक किसका, पी एक्स का गुणनखंड है। गुणनखंड
है, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब देखिए जब गुणनखंड है तो शेषफल मेरा क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो अब भाग दे के हमको देखना है, तो भाग देंगे किसको, x माइनस वन से पी एक्स को, तो भाग दे देते हैं इधर, देखिएगा बस आपको ध्यान से देखना है। जब तक इसमें जीरो नहीं आएगा, अगर देखिए हम वन रखे जीरो आया, अगर वन रखते जीरो नहीं आता तब हम क्या रखते, माइनस वन रखते, उसमें भी जीरो नहीं आता तब क्या रखते, प्लस टू रखते, माइनस टू रखते, जिसमें जीरो आएगा उसी को लेके चलना है आगे, ठीक है। अब हम एक्स माइनस वन से डिवाइड देंगे किसको, एक्स माइनस वन से डिवाइड देंगे किसको, एक्स क्यू माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू को, ठीक है। तो हम ऊपर में लिख देते हैं कौन, भाजक को, सॉरी भागफल को हम ऊपर लिख देते हैं। अब देखिए क्या क्या इसमें आएगा, x से यहाँ पे एक्स क्यू है, मतलब एक्स स्क्वायर टर्म ज्यादा है, एक्स स्क्वायर तब आ जाएगा एक्स क्यू, माइनस और प्लस, माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपोजिट साइन ये कैंसिल। अब देखिए माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को आगे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर, एक घटाओ दो तो माइनस एक, तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस एक्स उतर जाएगा। अब देखिए यहाँ से x और एक्स स्क्वायर, एक x ज्यादा है, एक x ज्यादा है, माइनस में है, माइनस देंगे तब हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस और माइनस, प्लस वन इंटू एक्स, एक्स प्लस यहाँ अपोजिट साइड माइनस, अपोजिट साइन हो जाएगा माइनस, ये भी कैंसिल मेरा, सॉरी ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि मेरा ये कैंसिल होगा, माइनस एक्स माइनस एक्स, इसका नीचे वाला साइन माइनस एक्स माइनस एक्स, तो क्या आ जाएगा माइनस टू एक्स, माइनस टू एक्स प्लस टू। अब देखिए यहाँ से ही माइनस में ज़्यादा है, माइनस में एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या ज़्यादा है इसमें, टू ज़्यादा है, तो माइनस टू एक्स आ जाएगा, माइनस और माइनस, प्लस वन इंटू टू, तो टू अपोजिट साइन, ये कैंसिल ये भी कैंसिल, प्लस टू माइनस टू कैंसिल, माइनस टू एक्स प्लस टू एक्स कैंसिल, बच गया क्या जीरो। तो यही जीरो लाने का टारगेट था, इसीलिए हम इसको जीरो यहाँ पे देखे, अगर हम यहाँ पे जीरो नहीं देखते तब ये मेरा जीरो नहीं आता, जीरो नहीं आता तो हमको आगे चल के प्रॉब्लम होता, ठीक है। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, अब देखिए क्या करना है आपको, शॉर्टकट भी इस क्वेश्चन का, देखिए इस क्वेश्चन का आपको शॉर्टकट भी बताएंगे, लेकिन पहले जरा सा इसको प्रोसेस को देख लीजिए। यहाँ तक आप नोट कर लिए होंगे, अब इधर हम डिलीट कर देते हैं यानी मिटा देते हैं। देखिए इसमें जो है ये क्या है, भाजक है, ये भागफल है और ये भाज्य है, तो हम भाज्य बराबर क्या लिख सकते हैं, देखिए भाज्य बराबर आपको यहां से नोट करना है, भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, इतना हो जाएगा भाजक गुनी भागफल जोड़ शेषफल। तो भाज्य क्या है, देखिए एक्स क्यू माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू, भाजक, भाजक क्या है एक्स माइनस वन, और भागफल क्या आया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, इतना आ गया मेरा। अब देखिए इसको हमको ब्रेक करना है ऐसे कि गुणनखंड हो जाए, तो ये तो आ गया है टूट गया, अब इसको तोड़ना है, एक्स माइनस वन प्लस शेषफल, शेषफल को जीरो करेंगे कोई चेंज नहीं होगा। अब देखिए इसको हमको ऐसे ब्रेक करना है, द्विघात बहुपद में आ गया, ये द्विघात में आया, तो द्विघात वाला हम बता दिए हैं कैसे ब्रेक करना है। तो यहाँ पर देखिए टू है, यहाँ पे इसका मल्टीपल कौन है वन है, तो टू इंटू वन क्या आ जाएगा टू, टू इंटू वन टू। अब देखिए टू का गुणनखंड करेंगे, टू और वन होगा और वन और टू होगा, यही होगा यही नहीं होगा। अब देखिए अगर हम वन और टू लेते हैं, वन और टू लेते हैं, वन माइनस टू तब माइनस वन हो जाएगा, माइनस एक्स है माइनस वन हो जाएगा, तो माइनस माइनस एक्स और देखिए एक्स और माइनस टू एक्स करेंगे, एक्स माइनस टू एक्स तब क्या आ जाएगा माइनस एक्स आ जाएगा, यहाँ भी टू इंटू वन करेंगे, इसका गुणनखंड कौन टू, इसका गुणांक वन, तो टू इंटू वन टू, यहाँ भी टू इंटू वन टू आ रहा है, तो क्या लेंगे कॉमन, तोड़ेंगे पहले एक्स स्क्वायर माइनस
क्या हुआ एक्स माइनस टू एक्स ना प्लस एक्स माइनस टू एक्स, तब आ जाएगा माइनस एक्स माइनस टू, जीरो को नहीं लेंगे। अब देखिए एक्स माइनस वन और क्या इससे कॉमन ले लेना, ये दोनों से कॉमन लेंगे, एक्स को कॉमन ले लेते हैं, एक्स प्लस एक्स बाहर चले गया वन, इससे एक्स स्क्वायर था एक्स को कॉमन ले लिए, एक एक्स यहाँ पे बच गया, यहाँ पे एक एक्स था कॉमन ले लिए, तो सिर्फ कुछ नहीं बचा तो वन बचा, यहाँ से टू को कॉमन ले लेंगे, क्लियर दिख रहा है, तो एक्स माइनस बाहर चले गया प्लस टू वन जा टू, टू बाहर चले गया तो वन। अब देखिए क्या करना है, एक्स माइनस वन और एक बार क्या दो बार जो आया है क्या एक्स प्लस वन उसको लिख देना है, और क्या इसका गुणांक एक्स और इसका गुणांक माइनस टू, तो यही मेरा गुणनखंड टूटा किसका एक्स क्यू माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू का, ये गुणनखंड हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम शॉर्टकट बताते हैं जरा सा, शॉर्टकट दिखेगा जरा सा क्या है, तुरंत ही आप बना सकते हैं, यहाँ तक आप नोट कर लिए। अब शॉर्टकट देखिए अगर हम शॉर्टकट की बात करें, शॉर्टकट तो क्या होगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, पहला दो टर्म से कॉमन जो आ रहा है उसको लेंगे, और इससे जो कॉमन आ रहा है हम उसको बाहर निकालेंगे खींच के। तो देखिए इससे क्या कॉमन आ रहा है, एक्स क्यू है एक्स स्क्वायर है, तो इससे एक्स स्क्वायर आ सकता है, इससे भी एक्स स्क्वायर आ सकता है, तो एक्स स्क्वायर को बाहर कर देंगे, क्या बच जाएगा मेरा एक्स, देखिए एक्स क्यू था तो एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, जिसमें दो एक्स बाहर कर दिए बच गया कौन, एगो एक्स बच गया अंदर में, एक एक्स बच गया, माइनस एक्स स्क्वायर तो बाहर चला गया बच गया क्या टू, ठीक है, माइनस यहाँ पे देखिए कोई कॉमन आ सकता है, पता चल रहा है, तो जब कुछ भी पता नहीं चले तो हम वन को निकाल सकते हैं, क्या वन को, तो वन यहाँ पे आ जाएगा कॉमन, क्या बच जाएगा एक्स, और फिर माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस आ जाएगा अंदर में, तब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ब्रैकेट जब हटाएंगे तो, इसलिए माइनस बचा अंदर में टू। तो हम पिछले वीडियो में बताए थे कि जब ये दोनों मेरा सेम आ जाए इसका मतलब प्रोसेस मेरा सही जा रहा है, तो ये दोनों यहाँ पे सेम आ रहा है, तो अब क्या करेंगे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वन इसका इसका गुणांक एक्स स्क्वायर इसका गुणांक माइनस वन उसको लिख देंगे एक बार, और इसका गुणांक क्या एक्स दो बार जो आया उसको एक बार लिख देना है, ठीक है, यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत, शॉर्टकट बता रहे हैं। अब देखिए क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो एक्स स्क्वायर है वन को हम वन का स्क्वायर लिख सकते हैं, वन को हम वन का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी ये होता है, तो यहाँ पे देखिए ए की जगह पे एक्स है बी की जगह पे वन है, तो क्या हो जाएगा एक बार एक्स माइनस वन हो जाएगा और फिर एक्स प्लस वन हो जाएगा, यही हो जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन इंटू क्या है एक्स माइनस टू। तो देखिए कितना आसान तरीका से, कितना आसानी से ये निकल गया है, अगर आप उस प्रोसेस से बनाते हैं भाग देकर तो वो भी सही है, अगर देखिए एग्जाम में फोर मार्क्स का क्वेश्चन पूछा तब तो आप इतना कम में नहीं बनाएंगे ना, तो आपको कुछ प्रोसेस चाहिए, कुछ बड़ा चाहिए, जैसे स्पेस दिया हुआ है बड़ा तो उसको भरना चाहिए पूरा, तब ना नंबर देने में कुछ लगेगा सही, अगर दो मार्क्स में पूछा है कि गुणनखंड कीजिए सिर्फ, तब इस तरह कर दीजिए शॉर्ट में एकदम तुरंत काम खलास खत्म टाटा बाय बाय, ठीक है। तो जब भी शॉर्ट में पूछे तो इस तरह करना है, अगर लॉन्ग में पूछे तो उस तरह करना है, वो मार्क्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा कि कॉमन कैसे लेना है, और उसमें भी पहले जो बताया भी प्रोसेस में वो भी समझ में आ गया होगा कि भाग देकर हम कैसे भाज्य गुणा भाग भाज्य बराबर भाजा गुणी भागफल जोड़ शेषफल से हम तैयार करेंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं इससे आगे सेकंड, आगे देखिए अब सेकंड, सेकंड है एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस फाइव। देखिए अगर आप इसमें भी ट्रिक लगाएंगे तो इसमें ट्रिक अप्लाई नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, देखिए इसमें क्या है कि अगर हम इसका गुणांक और इसका यहाँ पे अचर पद क्या है फाइव, तो फाइव इंटू वन क्या हो जाएगा फाइव इंटू वन फाइव, और इसको जब हम गुना करेंगे नाइन थ्री जा नाइन थ्री जा कितना नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन। अब देखिए ये दोनों इक्वल आया, इक्वल नहीं आया, इसका मतलब ये अब फार्मूला से यानी ट्रिक से नहीं बनने वाला है, ठीक है। तो जो ट्रिक से बनने वाला था हम उसको बता दिए, अब इसको हम प्रोसेस से बनाएंगे, इसीलिए हम पहले प्रोसेस से बताए क्योंकि प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज़ में अगर मेन प्रोसेस से अगर आप उसको बनाते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, ठीक है। तो अब हम इसको प्रोसेस से बनाएंगे, देखिए
पहला काम क्या, अचर पद। क्या है अचर पद? पांच। तो पांच के गुणनखंड लिखेंगे, पहले इसको पी एक्स मानेंगे, एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस फाइव। पांच के संभव गुणनखंड, अचर पद है पांच, तो पांच के संभव गुणनखंड, संभव गुणनखंड क्या क्या हो जाएगा देखिए, प्लस माइनस वन और प्लस माइनस फाइव, इतने होगा और कोई होगा नहीं होगा। अब क्या करेंगे हम, प्लस वन रख के देखेंगे पहले, तो पी वन अगर रख के देखते हैं तो क्या आता है, वन का क्यूब माइनस थ्री इंटू वन का स्क्वायर माइनस नाइन इंटू वन माइनस फाइव। तो वन माइनस थ्री माइनस नाइन माइनस फाइव, तो यहां से क्या आ जाएगा देखिए, वन माइनस नाइन थ्री ट्वेल्व, ट्वेल्व और फिर फाइव सेवनटीन, तो यह आ गया माइनस सिक्सटीन। तो इतना आ गया मेरा, इसका मतलब जीरो नहीं आया, तो हम अब क्या रखेंगे, पी माइनस वन रख के देखेंगे, पी माइनस वन रख के देखेंगे तब देखते हैं मेरा क्या आता है। तो पी अगर हम माइनस वन रखते हैं तब क्या आ जाएगा देखिए, माइनस वन का क्यूब माइनस थ्री इंटू माइनस वन का स्क्वायर माइनस नाइन इंटू माइनस वन माइनस फाइव। माइनस वन पर विषम संख्या है, इसका मतलब माइनस वन यहाँ पर सम है, तो वन होगा थ्री इंटू वन थ्री, माइनस माइनस और माइनस प्लस नाइन माइनस फाइव, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस फोर प्लस नाइन माइनस फाइव। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाइन माइनस फोर फाइव हो जाएगा माइनस फाइव, तो ये आ गया कितना जीरो। तो जब जीरो आ गया इसका मतलब कौन, एक्स का मान, जब हम एक्स का मान माइनस एक रखे तब ना जीरो आया, तो एक्स माइनस वन अपोजिट साइड आएगा क्या, प्लस वन इक्वल टू जीरो। अतः एक्स प्लस वन किसका, पी एक्स का एक गुणनखंड है, ठीक है, एक्स प्लस वन पी एक्स का एक गुणनखंड है। तो जब गुणनखंड है तो हम भाग देंगे, भाग देंगे एक्स प्लस वन से किसको, एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स और फिर माइनस फाइव को, ऊपर लिख देंगे किसको, भाजक सॉरी भागफल को, एक्स और यहाँ पे एक्स क्यू, एक्स स्क्वायर ज्यादा है एक्स क्यू हो जाएगा। अब फिर प्लस 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 वन इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर अपोजिट साइन कैंसिल, माइनस थ्री माइनस वन, माइनस थ्री माइनस वन तो माइनस फोर, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स। अब देखिए यहाँ माइनस है, माइनस देना पड़ेगा, एक्स और एक्स स्क्वायर, एक्स ज्यादा है इसमें स्क्वायर है, यहाँ पे एक ही एक्स है, फोर भी है, फोर देना पड़ेगा, तब हो जाएगा माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस, माइनस वन इंटू फोर, फोर एक्स है तो एक्स अपोजिट साइन, ये तो कैंसिल मेरा, माइनस नाइन प्लस फोर, देखिए माइनस नाइन प्लस फोर, इसका मान कितना, फोर माइनस नाइन, इसका मतलब माइनस फाइव, तो माइनस फाइव एक्स है तो एक्स फिर माइनस फाइव। अब देखिए यहाँ से कंपेयर करें, एक्स इंटू एक्स मिल रहा है, माइनस फाइव ज़्यादा है तो माइनस फाइव से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस फाइव एक्स हो जाएगा, प्लस माइनस, माइनस वन इंटू फाइव, फाइव अपोजिट साइन, माइनस फाइव प्लस फाइव कैंसिल, माइनस फाइव एक्स प्लस फाइव एक्स कैंसिल, जीरो आ गया, आ गया कि नहीं आ गया। जब जीरो आ गया मेरा तो हम इसमें अब क्या कर सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणी भागफल जोड़ शेषफल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे अब मिटा देते हैं, इधर डिलीट कर देते हैं, इधर यहाँ तक आप नोट कर लिए होंगे, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, भाज्य बराबर क्या होगा, भाजक गुना भागफल प्लस में शेषफल, ये होता है बचपन से आप लोग जान रहे हैं इसको। भाज्य, भाज्य क्या है, बीच में जो है एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस फाइव। भाजक किससे भाग दिए, एक्स प्लस वन से भाग दिए, क्या भागफल क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव, इतना आया प्लस जीरो शेषफल है। अब देखिए एक्स प्लस वन यहाँ पे है, एक्स स्क्वायर,
अब हमको यहाँ पे इसको तोड़ना है, द्विघात बहुपद में आ गया ये, इसको हमको ब्रेक करना है। तो 5 × 1 5, अब 5 को ऐसे ब्रेक करना है कि गुना करने पर 5 हो और सॉल्व करने पर -4 हो। तो 5 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 1 और 5 होगा, 5 और 1 होगा, यही होगा। तो 1 और 5 अगर लेते हैं, 1 - 5 तो कितना हो जाएगा, -4 आ जाएगा। तो 1 के जगह पर हम क्या ले लेंगे, +1 है, इसका मतलब +x - 5x 5 है, तो 5x तब आ जाएगा क्या, -4x। -4 है यहाँ पे -4x है, तो x के टर्म में ले गए -5, 0 को नहीं भी लिखेंगे चलेगा। तो x + 1, अब यहाँ देखिए कॉमन आ गया, कॉमन आएगा यहाँ पे, क्या आएगा कॉमन, x अगर कॉमन लेते हैं तो क्या बच जाएगा, x + 1, इतना बच जाएगा। x 2 को था यहाँ पे, जिसमें एक को बाहर कर दिए, एक x बच गया, इसमें एक ही x था, x को बाहर कर दिए तो कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा। माइनस, इससे 5 को कॉमन ले सकते हैं, क्या हो जाएगा, x माइनस कॉमन ले लिए हैं, क्या हो जाएगा, +5 × 5, इतना हो जाएगा। अब देखिए x + 1, और इससे जो 2 बार आया है उसको एक बार लिखना है, तो क्या है, x + 1 है 2 बार, उसको एक बार लिखना है। और क्या, इसका गुणांक, पहले का गुणांक x और इसका गुणांक -5, इसको लिख देना। तो यही जो गुणनखंड टूटा, यही गुणनखंड आ गया किसका, इसका गुणनखंड आ गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे भाग विधि से इसको तैयार करना है, गुणनखंड इसका निकालना है, किसका, त्रिघात बहुपद का। तो आगे आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए अब थर्ड क्या है, x³ + 13x² + 32x + 20। तो इसको आप ट्रिक से करेंगे, देखिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 20 है, 20 × 1 20, और 32 × 13 ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यानी इसके गुना के बराबर इसका गुना नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको प्रोसेस से ही करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, पी एक्स मान लेंगे किसको, x³ + 13x² + 32x + 20, ये हो गया मेरा पी एक्स, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है हमको, लास्ट क्या है इसका, अचर पद 20 यानी 20, तो 20 के संभव संभव गुणनखंड क्या क्या होगा, किस किस के टेबल में 20 है यानी 20 है, तो हो जाएगा +-1 + -2 + -4, इसी तरह +-5 + -10 + -20, ये मेरा पॉसिबल है, ये सब संभव है मेरा। तो हम क्या रखेंगे, पहले +1 रख के देखेंगे, तो p अगर हम 1 रखते हैं तो क्या आ जाएगा मेरा, 1³ + 13 × 1² + 13 × 1 + 20, 1 + 1 का स्क्वायर कितना, 1 13 × 1 30 13, और यहाँ 32 × 1 32 + 20, तो ये तो बुझा नहीं रहा आएगा प्लस में, सॉरी जीरो जीरो नहीं आएगा, चलिए देखते हैं क्या आता है, 66 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि P1 से मेरा काम नहीं चला, P1 से काम मेरा नहीं चलने वाला है क्योंकि जीरो हमको लाना है। अब क्या रख के देखेंगे हम, P-1 रख के देखते हैं क्या हो जाएगा मेरा, -1³ + 13 × -1² + 32 × -1 + 20, -1³ विषम संख्या है, -1 यहाँ पे 1 इसका मान, तो 13 × 1 13 -32 × 1 32 + 20। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 30 और 20 प्लस हो जाएगा क्योंकि दोनों का प्लस है, कितना हो जाएगा 33 माइनस -1 × -1 और -32, तो ये भी -33, ये आ गया मेरा जीरो। जब जीरो आ गया क्या, जब हम पी रखे -1, ठीक है, तो एक्स का मान -1 रखे तब ना जीरो आया, तो एक्स -1 अपोजिट साइड जाएगा तो क्या जाएगा, +1 = 0, यही ना, -1 रखे तो -1 को अपोजिट साइड लेगा, +1 = 0, इसका मतलब क्या है, अतः x + 1 किसका, पी एक्स का एक गुणनखंड,
आपको इधर भी नोट करना है, गुणनखंड है, ठीक है। तो जब गुणनखंड है तो हम भाग देते हैं आप किसको, x प्लस वन से किसको देंगे, x क्यू प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 को ऊपर में लिख देंगे, आपको दिख रहा होगा। अब देखिए x और यहाँ पे x क्यू यानी x स्क्वायर ज़्यादा है, x क्यू हो जाएगा तब x इंटू एक्स स्क्वायर तब x क्यू, प्लस और प्लस प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपोजिट साइन, ये गया धाम पे पहुँच गया क्योंकि प्लस एक्स क्यू माइनस एक्स क्यू गया। अब देखिए 13 एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, तो 13 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 13 एक्स स्क्वायर में एक एक्स स्क्वायर कैंसिल, 12 एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस में, तो 12 एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स इतना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ कितना ज़्यादा आया, प्लस यहाँ पे देखिए क्लियर है, माइनस नहीं आया साइन, प्लस है प्लस में देंगे, एक्स और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, एक एक्स ज़्यादा है इसमें स्क्वायर है, यहाँ पे एक ही एक्स है तो एक और एक्स देना पड़ेगा गुना करने में तब हमको काम चल जाएगा, और क्या 12 भी है तो 12 दे देंगे, तो प्लस 12 एक्स से अगर हम गुना करते हैं तब 12 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस और प्लस प्लस 1 इंटू 12 एक्स, तो 12 एक्स ही होगा अपोजिट साइन, ये भी धाम पे पहुंच गया। 32 एक्स इसका कौन सा साइन, नीचे वाला साइन, माइनस 12 एक्स, तो 32 में 12 कैंसिल, कितना 20 एक्स प्लस 20, तो आप किससे गुना करेंगे 20 से, क्योंकि यहाँ पे क्या है मेरा एक्स एक्स तो मिल रहा है, बचा कौन 20 ज़्यादा है इसमें, तो 20 से गुना कर दिए, प्लस में आए तो प्लस में दे दिए। अब एक्स इंटू 20 तो 20 एक्स हो जाएगा, प्लस और प्लस प्लस 1 इंटू 20 20 अपोजिट साइन, इसका माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये भी कैंसिल, प्लस 20 माइनस 20 ये भी कैंसिल, बच गया क्या 0, तो जब 0 आ गया इसका मतलब यह गुणनखंड है, यहीं से पता चल गया था जब 0 यहाँ पे आया था। अब देखिए अब क्या करना है आपको, भाज्य बराबर भाजक गुणी भागफल जोड़ शेषफल करना है, तो देखिए करते हैं, चलिए इधर हम डिलीट कर देते हैं, मिटा देते हैं इधर, अब देखिए क्या करना है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस में शेषफल, ये सब तो आपको बच्चे से याद होगा छोटे से। भाज्य क्या है मेरा, एक्स क्यू प्लस 13 एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स प्लस 20, ये भाज्य, भाजक किससे भाग दिए, एक्स प्लस वन से भाग दिए, क्या आया भागफल, भागफल आया एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स प्लस 20 इतना आया, प्लस 0 को लिखे नहीं लिखे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो 0 को हम छोड़ देते हैं, इसको बड़ा बड़ा कर देते हैं। अब देखिए यही बराबर है यहाँ पे, तो x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स प्लस 20, तो एक्स स्क्वायर, अब हम इसको ऐसे ब्रेक करेंगे, देखिए द्विघात बहुपद में आ गया, ऐसे ब्रेक करेंगे कि क्या हो जाए मेरा 20 इंटू यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, 20 इंटू 1 20, 20 इंटू 1 क्या हो जाएगा 20, अब 20 का हमको गुणनखंड तोड़ना है, 2 टू 5 हमको लाना क्या है 12 लाना है, तो देखिए अगर हम क्या क्या लेंगे, 5 टू या 10 और 2, 10 और 2 लेते हैं तब क्या हो जाएगा 12 आ जाएगा प्लस करने पर, और मल्टीप्लाई करने भी 20 आ जाएगा, तो अगर हम 10x प्लस 2x देते हैं 12x हो जाएगा, 10 टू या 20 हो गया प्लस 20, एक्स प्लस 1 यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, x आ जाएगा कॉमन, बच गया x प्लस x बार से लेगा 10, यहाँ से कॉमन ले सकते हैं 2 को, 2 कॉमन आ जाएगा बच जाएगा x प्लस 2 10 जा 20 10, अब क्या x प्लस 1 दो बार कौन आया, x प्लस 10 आया, तो x प्लस 10 को एक बार लिखना है, और क्या इसका गुणांक पहले वाला का गुणांक x, दूसरे वाला का गुणांक क्या प्लस 2 इतना लिखना है, तो यही मेरा गुणनखंड हो गया, किसका टूट गया, इसका गुणनखंड टूट गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं, इससे आगे थर्ड के बाद फोर्थ, अब देखिए यहाँ पर है मेरा फोर्थ 2y³ + y² - 2y - 1,
तो यहां पर मेरा ट्रिक काम कर जाएगा। कैसे काम करेगा, क्योंकि देखिए अगर हम इसका और इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 इंटू 1 2, और यहां पर इसका गुणांक 2 है, इसका गुणांक 1, तो 2 इंटू 1 2 बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब ट्रिक इसमें अप्लाई हो जाएगा। ट्रिक अप्लाई बाद में हम करेंगे, पहले हम प्रोसेस से इसको सॉल्व करते हैं। तो प्रोसेस क्या है मेरा, सबसे पहले इसको बहुपद मानेंगे पी एक्स, क्या हो जाएगा पी एक्स नहीं पी वाई, वाई के टर्म में पी वाई मानेंगे इसको, तो 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1। अब देखिए अचर पद, अचर पद मेरा क्या है यहाँ पे 1, तो लिखेंगे एक के संभव गुणनखंड, एक का क्या होगा एक ही होगा और कोई पॉसिबल है नहीं, तो प्लस माइनस एक हो जाएगा। तो पहले एक रख के देखेंगे p एक, तो 2 × 1 का एक का क्यूब प्लस एक का स्क्वायर माइनस 2 × 1 माइनस 1, तो 2 × 1 का क्यूब 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 × 1 = 2 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल, बच गया 0, यानी P1 आ गया 0। तो जब P1 0 आ गया मेरा, तो हम क्या मान रखे, x का मान 1 रखे तब ना 0 आया, x के जगह पे 1 रखे तब 0 आया। अब देखिए 1 को अपोजिट साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 इक्वल टू 0, अतः x माइनस 1 किसका पी वाई का, y के जगह पर रखे है ना, तो यहाँ पे y हो जाएगा, y था ना मेरा, तो y माइनस 1 हो जाएगा, y माइनस 1 पी वाई का एक गुणनखंड है, ठीक है। तो जब गुणनखंड है तो अब हम भाग दे सकते हैं किससे, y माइनस 1 से किसको, इसको 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1 भाग देंगे इसको, क्या होता है देखते हैं। देखिए ऊपर लिख देंगे हम y और यहाँ पे y³, y स्क्वायर ज़्यादा है 2 भी मल्टीप्लाई में, तो 2 देना पड़ेगा, 2y³ हो जाएगा, माइनस और प्लस माइनस y इंटू 2y², तो 2y² सेम अपोजिट साइन, ये कैंसिल, y² और प्लस 2y², तो देखिए y² प्लस 2y² 2y², तो कितना हो जाएगा 3y², यहाँ हो गया 3y² माइनस 2y, प्लस में तो प्लस देना पड़ेगा y इंटू 3 ज़्यादा है इसमें, तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, y कितना ज़्यादा है यहाँ पे 1y है, यहाँ पे y का स्क्वायर है यानी 2y, तो 1y से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3y² हो जाएगा, माइनस और प्लस माइनस 1 × 3y, तो 3y ही होगा, अपोजिट साइन ये कैंसिल, माइनस का प्लस माइनस 2 प्लस 3 माइनस 2 प्लस 3, तो 3 माइनस 2 1, तो सिर्फ y हो जाएगा मेरा, प्लस में माइनस 1। अब देखिए y माइनस 1 y माइनस 1 प्लस 1 बार में, क्योंकि y इंटू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, y इंटू 1 तो y ही रहेगा, माइनस 1 और प्लस 1 माइनस प्लस माइनस 1 इंटू 1 तो 1, ये भी कैंसिल हो गया मेरा, बच गया क्या 0। तो अब हम भाज्य बराबर भाजक गुणी भागफल जोड़ शेषफल इसमें अब लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इधर हम डिलीट कर देते हैं, अब मिटा देते हैं, ध्यान दीजिएगा, देखिए भाज्य बराबर क्या, भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। भाज्य क्या, जो बीच में है जिसको भाग दिए, किसको भाग दिए 2y³ को, 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1, भाजक किससे भाग दिए y माइनस 1 से भाग दिए, क्या आया भागफल 2y² गुना में गुना दे दिए 2y² प्लस 3y माइनस प्लस 1, इतना आ गया मेरा शेषफल 0। अब देखिए y माइनस 1 और क्या
वन इंटू टू तो टू, वन इंटू टू टू। अब इसको थ्री को ऐसे ब्रेक करना है कि गुना करने पे टू रहे और सॉल्व करने पे थ्री हो जाए, टू और वन लेंगे, टू वन मल्टीप्लाई करने पे टू और सॉल्व करने पे टू प्लस वन थ्री हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं इसका, टू वाई स्क्वायर प्लस टू वाई प्लस वाई, तो थ्री वाई हो जाएगा, टू इंटू वन टू। अब देखिए कॉमन ले लेंगे हम, इससे कॉमन क्या आ जाएगा, टू है दोनों के पास, वाई भी है, टू वाई कॉमन आ जाएगा, बच गया इसके पास, टू तो बाहर आ गया, वाई भी बाहर आ गया, बच गया कौन, सिर्फ एक वाई बच गया, टू वाई यहाँ टोटल बाहर कर दिए, कुछ नहीं तो वन बच गया, यहाँ पर ये ब्रैकेट नहीं होगा। और क्या इससे देखिए, ये दोनों से कॉमन क्या आ जाएगा, कुछ नहीं मिल रहा है तो वन ले लेंगे कॉमन, वाई प्लस वन बच गया। अब देखिए यहाँ पर सेम आ गया, मतलब प्रोसेस सही जा रहा है, y माइनस वन दो बार कौन आया है, y प्लस वन आया है, तो y प्लस वन को एक बार लिख देंगे। और क्या पहले का गुणांक, पहले का गुणांक कौन है, टू वाई, और इसका गुणांक कौन है, प्लस वन। तो ये मेरा गुणनखंड आ गया किसका, इसका आ गया गुणनखंड, ठीक है, इस का गुणनखंड आ गया क्या, y माइनस वन, y प्लस वन और टू वाई प्लस वन, ठीक है। अब इसको ट्रिक से भी सॉल्व कर देते हैं, देखते हैं ट्रिक से सेम ही आएगा, देखिएगा ध्यान दीजिएगा जरा सा, यहां तक आप नोट कर लीजिए, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ट्रिक अप्लाई करते हैं इसमें, ये हो गया प्रोसेस। देखिए इससे कॉमन क्या ले सकते हैं, वाई स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि वाई स्क्वायर यहां पे भी है, वाई स्क्वायर अगर हम कॉमन लेते हैं क्या बच जाएगा, टू वाई बच जाएगा यहां पे, क्योंकि देखिए टू तो कॉमन नहीं लिए हैं, सिर्फ वाई स्क्वायर लिए हैं, तो टू बच गया, और वाई तीन को था यहाँ पे, जिसमें दो को बाहर किए तो एक वाई बच गया, प्लस वाई स्क्वायर टोटल बाहर कर दिया तो वन, माइनस इससे कुछ नहीं पता चल रहा है क्योंकि वन है यहाँ पे, तो वन को कॉमन ले सकते हैं, क्या बच जाएगा, टू वाई माइनस कॉमन ले लिए तो प्लस वन, वन वन जा वन। अब देखिए वाई स्क्वायर माइनस वन, इसका गुणांक पहले लिखेंगे, इसका गुणांक पहले लिखे और इसका गुणांक भी लिख दिए, और जो दो बार आया है, दो बार क्या आया है, टू वाई प्लस वन, उसको लिख देना है, लिख दिए। अब देखिए वाई स्क्वायर माइनस वन, इसको लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, इसका मतलब क्या कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए के जगह पर वाई, बी के जगह पर वन, तो क्या होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई माइनस वन और y प्लस वन, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं y माइनस वन वाई प्लस वन, गुना में इसका काम यहाँ तक हो गया, बच गया कौन इधर, टू वाई प्लस वन, तो यही तो मेरा आया था, क्या देखिए आया था कि नहीं, यही आया था मेरा, तो ये शॉर्टकट हो गया, आई जरा सा प्रोसेस से हुआ, ठीक है। तो जब भी यहाँ देखिए गुना करने पर टू वन जा टू, तो यहाँ भी इसका गुणांक टू वन जा टू आ रहा है, मतलब बराबर आ रहा है, तो जब भी बराबर आ जाए तो आप ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जब बराबर नहीं आए तो प्रोसेस को पकड़िए, आंसर आ जाएगा। तो एक्सरसाइज 2.4 में, एक्सरसाइज 2.4 में टोटल इतना ही सवाल था जो हम सॉल्व टोटल कर दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे भी सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 2.5 के सवालों को भी सॉल्व करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर अगर नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।